Shaggy is a nobody. Who's he to put me in the jail? I'm a nobody. You are somebody. Behave like somebody. मैंने अपने best friend को भी ऐसे गले नहीं लगाया कभी. चार दीवारी के बाद भी दुनिया है. तीन महीने के बाद भी जिंदगी है. सोच समझ के जियो. Hi, this is Sabyasachi. You are watching me on Book My TV. बिग बॉस सीजन 11 में लुसिंडा के बाद एक और पड़ोसी ने ले ली है घर से रुखसत और इस वक्त वो हमारे साथ है. सब्यसाची जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. थैंक यू फॉर योर टाइम. या आपने सही कहा कि बिग बॉस के सीजन 11 में दूसरा पड़ोसी भी आउट हो गया है. तो पड़ोसी वैसे जो दिखाने का थीम था कि बुरे होंगे, टॉर्चर करते होंगे, हम जानते हैं कि आमतौर पे पड़ोसी अच्छे भी होते हैं. तो उन अच्छे पड़ोसियों में से मैं एक हूँ जो टॉर्चरस नहीं है, रिवेंजस नहीं है, या फिर चीनी की जगह नमक नहीं भेजेगा. तो हो गया बिकॉज मैं अच्छा था. मैं चिल्लाता नहीं था, झगड़ा नहीं करता था. बिकॉज मेरा ये मानना था कि जब तक कोई आपको इंस्टिगेट ना करे, आपके साथ ना लड़े, आप दूसरे के चीज़ों में मत घुसो. कुछ लोग प्लान करते थे कि पहले पड़ोसियों को साफ करो, तो वो हुआ. एक पड़ोसी अभी तक फंसा हुआ है वहाँ पे, जो कि जंगल में है. और जैसे मैं कहता था, हिनेश्वरी माता के मंदिर के दो शेर, प्रियांक एंड लव, तो एक शेर जल्दी निकल आएगा मुझे लगता है, अगर वही प्लान चलता रहा. अगर आप शायद झगड़े करते, ये भले आपका नेचर ना हो, लेकिन अगर आप ये शायद करते तो शायद टिके रहते. व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट? मेरा इतना था कि मैं अपने तरफ से कभी जाके जबरदस्ती आबेल मुझे मार नहीं करूंगा. दूसरा, जैसे आपने कहा कि लाइक चुप हो जाना, ना दिखना, मे बी वो भी काम करता है. आपको जबरदस्ती फेक झगड़े करने की जरूरत ही नहीं है. घर में शांति भी हो सकती है, कलेश करने की जरूरत ही नहीं है. तो लेट्स बी पॉजिटिव. एंड अगर ये पॉजिटिविटी लोगों को इतना भी पसंद आया होगा ना, मेरा तो ये जर्नी सार्थक हो गया. सलमान सर ने कहा कि आपने बहुत शरीफाना अंदाज में खेला. आई एम डन विद इट. आपने कहा कि इसमें जरूरत नहीं कि आ बैल मुझे मार जैसा हो, लेकिन ऐसे घर में अब हालात जो चल रहे हैं वो सीरियसली ऐसे हो चुके. भले वो शिल्पा का हो, आकाश का हो, हीना का हो, तो ये जो चलता आ रहा है, ये जो चलन चल रहा है, व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट जो अभी चलता है? इट्स अ मैडनेस. इट्स जस्ट लाइक मैडनेस. ओडिया में कहावत है, कोंटा बाड़ा रे लुगा. कोंटा बाड़ा मतलब अगर आप कीलों के दीवार पे कपड़ा सुखाओगे, जब आप खींचोगे तो फटेगा ही ना. मुझे अगर ज़बरदस्ती कुछ करना है तो पहले तो मैं ही बुरा दिखूंगा, क्योंकि जनता तो मैड नहीं है. देखते हैं सब कुछ कि इसने ज़बरदस्ती ये किया हुआ है, तो लोग करते हैं ज़बरदस्ती, वो दिख जाता होगा. सो लोग दिखना चाहते हैं, लोग क्रिएट करते हैं. लव अफेयर्स होते हैं, फिजिकलिटीज़ होते हैं, झगड़े होते हैं, बाल नोचना होता है, बिकॉज ये सब दिखने के लिए. घर में ऐसे कौन कौन से सदस्य जो आपके हिसाब से बहुत अच्छे जा रहे हैं, और कौन से ऐसे हैं जो आपको भी सरप्राइज करके कुछ, आपने कुछ और सोचा निकले निकले कुछ और? हिना फॉर श्योर, जो निकले कुछ और, बिकॉज शी इज़ अ ब्यूटिफुल पर्सन. बट जैसे लोग अर्शी जैसे चिढ़ाती है, 4 किलो मेकअप अप्पी, 4 किलो मेकअप. 4 किलो मेकअप लगाने से शायद आप टीवी में अच्छा दिखो, ये तो मेकअप वाला नहीं है. तो कोर ऑफ अ पर्सन कम्स आउट. आप कितने भी अच्छा कर लो, जैसे टास्क में, रॉकेट में, आप टास्क में तो बहुत एनर्जी आ जाती है आपको. उस टास्क में कैसे क्या हुआ? हम तो किसी के लिए भी ये पैसा बचाना चाहते थे, तो आप कैसे उतर गए? हम कॉमनर्स को सोचते हैं कि वो फ्री में आए हैं, आप तो सेलिब्रिटी हो. शैगी इज अ नोबडी, हु इज ही टू पुट मी इन द जेल? इफ आई एम अ नोबडी, यू आर समबडी, बिहेव लाइक समबडी. वो क्यों नहीं हुआ? तो जब आप सही होते हो हर चीज में, मैं सही हूं, मैं राइट हूं, वन सेकेंड, आई हैव टू से समथिंग, शी ऑलवेज डज दैट एंड स्टॉप्स एनी डिस्कशन, देन शी सेज व्हाटएवर शी वांट्स टू से. अब कहाँ गई आपकी समझदारी और सही होने का चीज? आपको कहीं ना कहीं लगता है ये जो कॉन्सेप्ट है, कहीं ना कहीं वो रॉन्ग प्रूफ हो गया. मतलब लुसिंडा आउट होगी, आप आउट होगे, एक और पड़ोसी वो भी आउट होगी. मैं जब भी मुझे वही सोच में आ रहा है कि ऐसा क्या देखा था हमें तो अच्छा यहाँ कूट कूट के भरे पड़े हैं. आप अर्शी, आकाश, पुनीश, जुबैर, इनको पड़ोसी बनाते तो शायद ये कुछ कर बैठते. हम पड़ोसी घर में आ गए, हमें तो कुछ बताया नहीं जाता. ये तो इट्स अ नॉन स्क्रिप्टेड शो, सो यू डू नॉट नो व्हाट इज हैपनिंग. हमें ले आया गया, अरे ये 4 लोग, बाकी लोग कहाँ हैं? बिकॉज हमने देखा सेलिब्रिटीज जा रहे हैं, मस्ती हो रहा है वहाँ पे, खेल रहे हैं गार्डन में, हम क्यों नहीं जा रहे हैं? तो वो एक जो एक्साइटमेंट होता था वो कहीं ना कहीं, मैं अपना पर्सनल बोल रहा हूँ, वो दब गया. जो भी चलता है झगड़े एंड ऑल, जो भी लव अफेयर भी शुरू हो चुका है पुनीश और बंदगी का, अब प्रियंक और बिनाफ्शा का भी थोड़ा बहुत देखने में हमें मिल रहा है, तो आपको इसके बारे में क्या कहना है? आने वाले दिनों में क्या होगा? आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि बोथ साइड इंस्टिगेट करेंगे, अगर शांत बैठ गए होंगे. बिकॉज कल जैसे डिस्कस कर रहे थे हिना और गैंग कि नहीं, हम एंटरटेन करेंगे, हम एग्रेशन नहीं होंगे, हम रिएक्ट नहीं करेंगे, तो वो बहुत मुश्किल है उनके लिए पकड़ में रखना कि रिएक्ट नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे. मुझे लगता है इंस्टिगेट करेंगे, हाथ उठ जाए किसी और का.
तो पुनीश जैसे बहुत एग्रेसिव हो जाता है, आकाश जैसे हो जाता है, पर आकाश आप देखिए कितना लकी है, उसके ऊपर दो बार हुआ दोनों को सज़ा मिली बिकॉज वो एविडेंट है, एक एविक्ट हुआ दूसरा जेल गई, और ये दोनों ही अभी अफेयर कर रहे हैं जो कि सपोज टू बी गुड फ्रेंड्स. मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड को भी ऐसे गले नहीं लगाया कभी, एंड सॉरी बट जो भी करते हैं गुड फॉर देम. वो चार दीवारी के बाद भी दुनिया है, 3 महीने के बाद भी जिंदगी है, सोच समझ कीजिए. सर आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में हु कैन बी द पोटेंशियल विनर ऑफ दिस सीजन? आकाश, विकास, शिल्पा, हितेन, अर्शी. तो ये था हमारे साथ सब्यसाची, जिन्होंने एक बहुत ही इन डेप्थ तरीके से हमें बताया कि क्या हुआ घर में, क्या हो सकता है, देखते हैं कि क्या क्या होता है घर में और क्या क्या चीज़ें खुलेंगी और कितने हाथ उठेंगे. तब तक के लिए आपको क्या करना है वो तो आपको पता ही है, बुक माई टीवी जो पेज है उसको आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को और शेयर कीजिए. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस.